हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था विथ जो भी हमारा सीरीज आरएलसी नेटवर्क या पैरेलल आरएलसी नेटवर्क में जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम लोगों ने दो तीन क्वेश्चन डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम लोग उसको और कंटिन्यू करते हैं, दो तीन प्रॉब्लम और लेते हैं, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल आरएलसी नेटवर्क, और उसके बाद देखते हैं कि और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये आई थिंक गेट 1994 में पूछा हुआ है, ठीक है। एक ऐसा आपको कॉम्बिनेशन दिया, पैरेलल सर्किट दिया हुआ है, एक में सीरीज आरएल लगा हुआ है और एक में पैरेलल में सी लगा हुआ है, और इसमें आपसे पूछ रहा है एट रेजोनेंस द गिवन पैरेलल सर्किट विल बिहेव लाइक, ऑप्शन ए ओपन सर्किट, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी प्योरली रजिस्टर ऑफ वैल्यू आर, एंड ऑप्शन डी प्योरली रजिस्टर ऑफ वैल्यू मच हाइयर देन आर। तो ये हमें फाइंड करना है। तो देखो, इसमें आपको पूछ रहा है कि कैसे ये पैरेलल सर्किट बिहेव करेगा एट रेजोनेंस। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इंपीडेंस देखना पड़ेगा कि इंपीडेंस, बेसिकली ये इंपीडेंस पूछ रहा है कि इंपीडेंस ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट या प्योरली रेजिस्टर आएगा या फिर प्योरली रेजिस्टर ऑफ वैल्यू मच हाइयर देन आर आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको इनपुट इंपीडेंस यहां पे फाइंड करना पड़ेगा, इनपुट इंपीडेंस। तो इनपुट इंपीडेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो पैरेलल सर्किट है तो यहां पे इंपीडेंस फाइंड करना आसान है या एडमिटेंस, ऑफ कोर्स एडमिटेंस फाइंड करना आसान है। तो इनपुट एडमिटेंस आप फाइंड करो, इनपुट एडमिटेंस क्या हो जाएगा, देखिए इसका आपका एडमिटेंस y1 आप मान लेते हो तो y1 प्लस y2 कर सकते हो, y1 इज नथिंग बट 1 अपॉन r प्लस j ओमेगा l, और y2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन xc, 1 अपॉन 1 अपॉन j ओमेगा c, दैट इज j ओमेगा c, ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो j ओमेगा c प्लस 1 अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, आर माइनस जे ओमेगा एल अपॉन आर माइनस जे ओमेगा एल, तो फाइनली आपको मिलेगा जे ओमेगा सी प्लस आर माइनस जे ओमेगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये हमारा इनपुट एडमिटेंस आ गया। अब आपको पता है कि एट रेजोनेंस इमेजिनरी टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो एट रेजोनेंस आपका एडमिटेंस क्या आ जाएगा, एट रेजोनेंस इमेजिनरी टर्म जो होगा एडमिटेंस का वो जीरो हो जाएगा, मतलब ये और ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो फाइनली आपको वाई जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि जेड एट रेजोनेंस जो आएगा दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज नथिंग बट आर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आपका इम्पीडेंस मिल रहा है एट रेजोनेंस। अब बताओ ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रखे, जेड इन्फाइनिट है क्या, नहीं। शॉर्ट सर्किट जेड जीरो है क्या, नहीं। तो क्या हो रहा है, जेड इज इक्वल टू आर प्लस समथिंग, प्योरली रजिस्टर वैल्यू आर है क्या, जेड नहीं है। तो क्या है, प्योरली रजिस्टर ऑफ वैल्यू मच हाइयर देन आर, ये जो वैल्यू है आपको पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज होगा, उसका स्क्वायर करो, एल की वैल्यू लो अपॉन आर करो, तो जेड जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू का आएगा, आर प्लस समथिंग हाइयर वैल्यू, दैट मीन्स ऑप्शन डी प्योरली रजिस्टर ऑफ वैल्यू मच हाइयर देन आर इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें आपसे यही पूछा था कि इनपुट इम्पिडेंस क्या होगा एट रेजोनेंस, उसका जो होगा ऑप्शन दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गेट 2002 में आया हुआ है, पैरेलल आरएल का कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज आरएल है उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है, ऐसा कुछ सर्किट दिया है, और इसमें जेडएल की वैल्यू, इसकी वैल्यू जो दी है दैट इज 30 एट एन एंगल ऑफ प्लस 40, और सी की वैल्यू अननोन है, और क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ सी विल कॉज यूनिटी पावर फैक्टर, दैट मीन्स ये पूछ रहा है कि कितना कैपेसिटेंस का वैल्यू लेंगे कि हमें यूनिटी पावर फैक्टर मिले, दैट मीन्स कि रेजोनेंस कंडीशन मिल जाए, किस पे, एट 50 हर्ट्ज पे। तो डायरेक्टली ये रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहा है, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, ऐसा उनका कहना है, और उसके लिए आप बताओ कि कितना वैल्यू ऑफ सी लेंगे ताकि यूनिटी पावर फैक्टर मिल जाए, क्वेश्चन ये है, सॉरी। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का
दो मेथड है, हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। पहला मेथड मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपको रेजोनेंस की बात करें, जैसे आप पिछले भी क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे कि आप इसका ओवरऑल इम्पीडेंस निकालिए या एडमिटेंस निकालिए और उसके इमेजिनरी टर्म को क्या कर दीजिए, जीरो। तो जैसे ही आप इमेजिनरी टर्म को जीरो करते हो मतलब कि वो रेजोनेंस कंडीशन पे आ जाता है और उस पर जो भी वैल्यू निकालना है वो आप निकाल सकते हो। तो मेथड वन में मैं आपको एक नॉर्मल मेथड बता रहा हूँ, मेथड वन। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसका एडमिटेंस निकाल सकते हैं। कैसे? ये पैरेलल सर्किट है, इम्पीडेंस में हम निकाल सकते हैं लेकिन एडमिटेंस निकालना आसान होता है। तो वाई इन एडमिटेंस क्या आ जाएगा, इसका आप एडमिटेंस क्या होगा, वन अपॉन एक्स सी दैट इज इक्वल टू जी ओमेगा सी, ठीक है। और इसका एडमिटेंस वन अपॉन जेड एल हो जाएगा, दैट इज वन अपॉन जेड एल, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको फाइनली लिख लो, जे ओमेगा सी प्लस वन अपॉन जेड एल को हम क्या लिख सकते हैं, 30 एट एन एंगल ऑफ 40, राइट। इसको और आप एलिबरेट करिए, वन अपॉन जे ओमेगा सी, इसको मैं बताया है आपको एंगल में किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा में, इट विल बी 30 कॉस 40 प्लस जे 30 साइन 40, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको आप रेशनलाइज कर दो, 30 कॉस 40 माइनस जे 30 साइन 40 अपॉन 30 कॉस 40 माइनस जे 30 साइन 40, ऐसे हम कर सकते हैं। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, जे ओमेगा सी प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा 30 कॉस 40 प्लस जे साइन 40 अपॉन यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जे स्क्वायर प्लस कर देगा, तो फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिलेगा। तो 30 का स्क्वायर कीजिए तो आपको मिल जाएगा 30 का स्क्वायर 900 इंटू कॉस स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 40, क्लियर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, 900 ही आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। अब देखो आपको क्या बोल रहा है कि सी क्या है, वो वैल्यू बताओ जिसपे यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा, मतलब कि इमेजिनरी टर्म को आप जीरो पुट कर दो। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई इन को आप जीरो पुट कर दो। तो देखो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, एक ओमेगा सी, और यहां से आपका क्या आ रहा है, इट विल बी साइन 40 अपॉन 30 साइन 40 अपॉन 900। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू ओमेगा सी माइनस 30 साइन 40 अपॉन 900 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ से हम निकाल सकते हैं। तो सी की वैल्यू जो आएगी, इट विल बी साइन 40, यहाँ पे आप कैंसिल करो, इट विल बी 30 इंटू ओमेगा, यहाँ पे 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज है। तो फाइनली आपके जो सी की वैल्यू आएगी, आई थिंक 0.682 माइक्रो फैराड आएगा, इट विल बी 0.682 माइक्रोफेरेट। तो ये आंसर था। आप इस तरह से मेथड वन से जा सकते हो और ये आसान भी है। आपको रेजोनेंस कंडीशन में डायरेक्ट आप क्या कर दो, इमेजिनरी पार्ट को जीरो पुट करो और जो भी वैल्यू निकालना है आप निकाल सकते हो। तो इसको तो इस तरह से हम डील कर सकते हैं। एक और तरीका है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। इसका मेथड टू भी आप देख लो, क्योंकि क्रैश कोर्स में हम लोग ज़्यादा बेसिकली ये ट्राई करेंगे कि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को बढ़ाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तभी इम्प्रूव होगा जब एक ही क्वेश्चन को आप दो तीन मेथड से देख पाओ। तो मेथड टू देखो, मैं फेजर डायग्राम से भी इसको सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, देखो अगर मैं मेथड टू की बात करूं, तो 230 वोल्ट हमको सप्लाई दिया है, यहाँ पे करंट जो फ्लो करेगा वो IC फ्लो करेगा, यहाँ पे आप मान लो करंट जो फ्लो कर रहा है वो IL फ्लो कर रहा है, क्योंकि लोड ZL दिया हुआ है, ठीक है। तो IL की वैल्यू आप निकाल सकते हो, IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन XL 230 अपॉन ZL की वैल्यू, दैट इज 30 एट एन एंगल ऑफ प्लस 40। तो यहाँ से आपको IL की वैल्यू मिलेगी, लेट मी यूज द कैलसी। तो IL की वैल्यू जो आपको मिलेगी, दैट इज इक्वल टू 7.66 एट एन एंगल ऑफ माइनस 40, ये हमें IL मिल गया। उसी तरह से IC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज V अपॉन XC, XC 1 अपॉन ओमेगा सी, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें या फिर आप एंगल भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 230 इंटू जे ओमेगा सी आएगा, दैट मीन्स कि 230 ओमेगा सी एट एन एंगल ऑफ प्लस 90,
विथ रेस्पेक्ट टू सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो IL हमें मिल गया, IC मिल गया, तो अब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम में अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज 238 एन एंगल ऑफ जीरो मान रहे हैं, तो IL किधर जाएगा, माइनस 40 लैग करेगा। तो माइनस 40 आप मान लो ये है, दिस विल बी 7.66 एट एन एंगल ऑफ माइनस 40, मतलब कि ये एंगल क्या हो गया 40 डिग्री। क्लियर। उसी तरह से IC किधर जा रहा है, 230 ओमेगा सी प्लस 90, तो ये हमारा IC का वैल्यू हो गया, दैट इज 230 ओमेगा सी। ठीक है, ऐसा कुछ फेजर डायग्राम इसका आएगा। मैं बताया ना आपको, फेजर डायग्राम रटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो किसी को रेफरेंस मान के। यहाँ हम सप्लाई वोल्टेज को रेफरेंस माने और उसके रिस्पेक्ट में IL और IC के वैल्यू निकाल लिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें यूनिटी पावर फैक्टर चाहिए। यूनिटी पावर फैक्टर हमको कब मिलेगा, जब इसका और इसका नेट रिजल्टेंट किसके अक्रॉस आ जाए, सोर्स वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस। मतलब कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज IS, IS जो हो वो IL और IC का फेजर हो और वो किधर आ जाए, उसका कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ सप्लाई वोल्टेज की तरफ आए। मतलब कि हमारा टारगेट क्या है कि IS को इधर कर दें, ये हमारा टारगेट है। IS हॉरिजॉन्टल तब हो सकता है जब उसका कोई भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं हो, तभी ये पॉसिबल है। यूनिटी पावर फैक्टर आपको मिलेगा, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच का एंगल जीरो होगा, कब, जब आपका कोई भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होगा। अगर कब परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ भी आ रहा है, तो IS हॉरिजॉन्टल हो ही नहीं सकता है, वो कुछ एंगल पे आएगा, जो कि हम लोग देखे हैं रेजोनेंस कंडीशन में, जब XL इज इक्वल टू XC का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जब हमको IS को हॉरिजॉन्टल करना है, इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट को जीरो करना ही पड़ेगा। और देखो यहाँ पे 7.66 का कुछ कंपोनेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल होगा, क्या होगा, 7.66 साइन 40, सॉरी दिस विल बी हॉरिजॉन्टल कॉस 40 होगा। और इसका जो ये आपका कंपोनेंट आएगा, दैट इज 7.66 sin 40। इसको हम रिजोल्व कर लिए हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल में। तो देखो अगर ये इसके बराबर हो जाए, तो कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रहा, तो ओवरऑल आपका सोर्स करंट क्या हो जाएगा, 7.66 cos 40, और उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज क्या आएगा, जीरो। मतलब कि इसको इसको बराबर होना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द यूनिटी पावर फैक्टर या रेजोनेंस कंडीशन। तो यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा कब, जब आपका 230 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सी विल बी इक्वल टू 7.66 sin 40 हो जाए, तो फिर उस केस में आपका ये यूनिटी पावर फैक्टर देगा, वर्टिकल कंपोनेंट को जीरो करना है। तो यहां से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज 7.66 sin 40 अपॉन 230 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा की वैल्यू 2π, F की वैल्यू 50 ही दे रखी है यहाँ पे, तो C की वैल्यू आपको जो मिलेगी, दैट इज 0.682 microfarad। तो इससे भी आपका C की वैल्यू इतना ही आएगा जितना कि मेथड वन में आया है। तो आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, आप उससे जाओ। जनरली फेजर डायग्राम से भी आप अच्छे से बना सकते हो, या फिर आप इमेजिनरी टर्म को जीरो कर दो, उससे भी आप निकाल सकते हो। डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि कौन सा ईजी है। यहाँ पे मुझे लगता है कि मेथड वन आसान है मेथड टू से, लेकिन मेथड टू भी आना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपको फेजर डायग्राम बनाने आता है या नहीं, और फेजर डायग्राम से कैसे हम रेजोनेंस कंडीशन की बात करते हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर आपको चाहिए, मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होना ही चाहिए। कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, तो सोर्स करंट और सोर्स वोल्टेज दोनों सेम फेज में आ जाएंगे और यूनिटी पावर फैक्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन गेट 2002 का 2 मार्क्स का था, वो हम लोगों ने 2 मेथड से डिस्कस किया। आप कॉमेंट में बताओ कौन सा मेथड आपको आसान लग रहा है। हालांकि दोनों मेथड आसानी है, लेकिन दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को ऑफ करेंगे। सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो गेट 2003 का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक सीरीज RLC नेटवर्क दिया है, जिसमें सप्लाई वोल्टेज 5 एट एन एंगल ऑफ जीरो दे रहा है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज जाएंगे कि ये 5 एट एन एंगल ऑफ जीरो मैक्सिमम वैल्यू है या RMS वैल्यू है। तो आपको मैं बता दूँ, ये 5 एट एन एंगल ऑफ जीरो जो है वो RMS वैल्यू है। गेट जो पैटर्न फॉलो करता है उसमें कोई भी फेजर रिप्रेजेंटेशन वो करता है, तो वो RMS वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे RMS वैल्यू में ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, ना कि मैक्सिमम वैल्यू में। लेकिन जब भी आप फॉरेन ऑथर बुक पढ़ोगे,
होगा जैसे अलेक्जेंडर सार्डिक्यू या हयात, तो उसमें आपको दिखेगा कि जो भी फेजर रिप्रेजेंटेशन वो करते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू में करते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और कोई ऐसा एंगल 5 at an angle of 0 या 10 at an angle of 0 दिया हुआ है तो आप उसको RMS ही लेना, ना कि मैक्सिमम लेना। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ऐसा कुछ सीरीज RLC नेटवर्क है, R की वैल्यू 5 ओम दे रखी है, L और C अननोन है और VR, VL, VC आपको इसमें ऐसा पोलैरिटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ VL एंड VC इज ट्वाइस ऑफ VR। क्वेश्चन क्या कह रहा है, VL इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VC इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ VR है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, द वैल्यू ऑफ L, L की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ VL एंड VC इक्वल कब होता है सीरीज RLC नेटवर्क में। हर एक फ्रीक्वेंसी पे तो इक्वल होगा नहीं, है ना कुछ एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है जिस पे एक फ्रीक्वेंसी पे उसका इक्वल होता है मैग्नीट्यूड, वो कौन सा फ्रीक्वेंसी है आप मुझे बताओ। अगर आपको ध्यान होगा सीरीज RLC नेटवर्क तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ VL इज इक्वल टू VC एट रेजोनेंस मिलता है और किसी फ्रीक्वेंसी पे नहीं मिलता है, दैट इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज एंड एट रेजोनेंस सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू VR होता है, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। तो यहाँ पे ये आपको इस तरह से दिया है, मतलब कि रेजोनेंस की बात कर रहा है, ये रेजोनेंस कंडीशन है। आपको ये चीज तभी मिलेगा जब वो रेजोनेंस कंडीशन होगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ VL इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू 2 times of VR और आपको पता है एट रेजोनेंस VR इज इक्वल टू क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज। एट रेजोनेंस VR इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू 5 at an angle of 0, ये हम लोग डील कर चुके हैं। तो फाइनली आपको मैग्नीट्यूड ऑफ VL जो मिल रहा है वो 2 times of supply voltage, दैट इज 5, दैट इज इक्वल टू 10 और एट रेजोनेंस VL की वैल्यू क्या होती है, I into XL, ठीक है। और I जो होता है एट रेजोनेंस क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज अपॉन R, ना कि Z। हमें पता है ना कि एट रेजोनेंस जो Z होता है वो प्योरली रेजिस्टिव होता है मल्टीप्लाइड बाई XL, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे XL अपॉन R को हम किसी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज क्वालिटी फैक्टर, आपको पता होना चाहिए, क्यू टाइम्स ऑफ VS, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, एल की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्वालिटी फैक्टर तो हमको डायरेक्टली मिल रहा है, दैट इज क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 2, ये हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें एल पता करना है तो यहाँ पे हम 5 VS अपॉन R की वैल्यू 5 और XL को क्या लिखेंगे, ओमेगा L इज इक्वल टू 10, ठीक है। और ऐसा कुछ दे रखा है और आपसे बोल रहा है फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज है, मतलब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ही है। इसका मतलब क्या हुआ, L की वैल्यू जो होगी वो 10 अपॉन ओमेगा, दैट इज 2πf, तो 10 अपॉन 100 पाई दैट इज इक्वल टू 31.8 मिली हेनरी। तो करेक्ट आंसर जो था वो 31.8 मिली हेनरी था। आपसे और क्या क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, इसमें तो L की वैल्यू पूछा है, इसमें आपको सेम इतना ही देकर यह भी पूछ सकता था कि क्वालिटी फैक्टर बताओ। तो क्वालिटी फैक्टर कितना आएगा, 2, जो हम देख लिए कि क्वालिटी फैक्टर हमारा Q टाइम्स सप्लाई वोल्टेज, Q की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 2। दूसरा क्या पूछ सकता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ C, तो C की वैल्यू हम इजिली निकाल सकते हैं 1/ωC करके, C की वैल्यू भी हमारा आ सकता है सेम क्वेश्चन में। और क्या पूछ सकता था, करंट पूछ ही सकता था, एक और चीज पूछ सकता था कि VL मैक्स कितना है। अब आप बताओ VL मैक्स और VC मैक्स आपको रेजोनेंस पे मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। रेजोनेंस पे जो आपको VL मिल रहा है या VC मिल रहा है, दैट इज 10, यहाँ पे 10 मैं निकाला हूँ, वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। हम लोग इस पे क्वेश्चन भी एक देखे थे, वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। VL मैक्स आपको कब मिलेगा, एट ओमेगा L, दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - R²C/2L। तो ये सारा चीज़ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या पूछ सकता है वो तो गेट कमेटी पे डिपेंड कर रहा है, गेट के जो प्रोफेसर जो सेट करते हैं क्वेश्चन उस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना पॉसिबिलिटी इसमें आ सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसी में से कोई एक आपसे पूछेंगे गेट एग्जाम में। तो अभी तक हम लोग 6-7 प्रॉब्लम ले लिए सीरीज RLC नेटवर्क का, पैरेलल RLC नेटवर्क का, आपको बताया किस तरह से आप किसी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी आपका कुछ ना कुछ इंप्रूव हुआ होगा। और भी आपको अगर डाउट है तो आप फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हो या कमेंट में पूछ सकते हो, हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि आपको सॉल्व करके दे। क्लियर, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इन AC सर्किट।
पंकज सर ने आपको पढ़ाया होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, लेकिन वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पढ़ाया होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एसी सर्किट, मतलब कि अगर इम्पीडेंस आ जाए तो उस केस में कितना डिफरेंट केस बनेगा, वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। आप सीरीज RLC, पैरेलल RLC नेटवर्क, अब आप क्वेश्चन कोई भी डील कर सकते हो। अगर कहीं डाउट होता है आप फेसबुक ग्रुप पे हमसे पूछिए। अगले क्लास से हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम देखेंगे। थैंक यू।